चलिए माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। और मात्र एक वीडियो से मैं आपको दिलाने वाला हूं इंग्लिश में एटलीस्ट 15 से 20 नंबर। अब ये वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आई कांट डिस्क्राइब इन अ वर्ड, क्योंकि इसमें मैंने लिया है पूरा का पूरा राइटर का नाम, साथ ही साथ पोएट का नाम, चैप्टर, आखिर उस पोएट को क्या कहा जाता है, जो प्राइजेज इसमें मिला है वो प्राइज भी मैं बताने वाला हूं, और साथ ही साथ ये भी मैं इसे बताने वाला हूं कि कौन से राइटर, कौन से पोएट या पोएटेस, ठीक है ना, कहां से बिलोंग करते हैं। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? एक बार इस वीडियो को पूरा, मतलब पूरी तरह से आप कंप्लीटली एक बार देख लो, उसके बाद आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि हां सर ने हम लोग के लिए कितना मेहनत किया है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना, प्रोज सेक्शन से। ठीक है, जो आपका 11 चैप्टर है, देखिए इतना मजेदार तरीका से ये बनाया हुआ है कि आपको भी देखकर लगेगा कि नहीं सही में ये वीडियो हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यदि बात किया जाए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इसको लिखे हैं महात्मा गांधी ने। लगभग देखिए इंडियन, ठीक है ना, और भारत दोनों का याद रखिएगा, इंडियन और भारत अपने से थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा कि दोनों, तो भैया इंडिया और भारत, भारत का ही नाम है, तो दोनों हमारा राइटर कहां के हैं? भारत के हैं। ठीक है, आप इसको ट्रिक भी समझ सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, ये एक आपका एसे है, ये भी पूछा जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, तो क्या एसे। अच्छा, फेमस या एस कॉल्ड, तो ये किसने लिखा है? महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है और फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। इसमें तो मेन कैरेक्टर और प्राइज नहीं है, बट जिसमें मेन कैरेक्टर या प्राइज है, जैसे जो भी आपका तीनों स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, ठीक है ना, जैसे आपका पहला शॉर्ट स्टोरी है अ पिंच ऑफ स्नफ, नानू काका, द आर्टिस्ट सेवी, ठीक है ना, तो ये सबको याद रखना है, द अर्थ बेंजी, तो सब ऐसे में जो मेन कैरेक्टर है वो भी मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, ये कहां से बिलोंग करते हैं भाई, ठीक है ना, गांधी जी कहां से बिलोंग करते हैं? तो इंडिया। मैं इसमें ये भी लिखते जा रहा हूं, ठीक है, आपको यहां ये भी समझते चलना है, कहीं भी दिक्कत और परेशानी का इसमें ज्यादा ये नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आप लोग क्या करो, पता है, एक बार इस पूरे चीज को लिख लो, मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है ना, और एक बार इनका बर्थ भी, डेट ऑफ जो बर्थ है वो भी लिख लेना, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वो भी बताया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा जी, दूसरा, भारत इज माई होम, तो भारत भी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना, आप इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए इंडियन है तो महात्मा गांधी, भारत है तो जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये आपका एक स्पीच है, ये क्या है जी, आपका एक स्पीच है, ठीक है ना। अब इन्हें फेमस या कॉल तो नहीं कहा जाता है, लेकिन ये भी याद रखिए कहां से हैं, इंडिया से हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी कहां से हैं जी, इंडिया से हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोनकर, ठीक है, ये शॉर्ट स्टोरी है, क्या है माय डियर स्टूडेंट, शॉर्ट स्टोरी, पहला ऐसे, दूसरा चैप्टर आपका स्पीच, तीसरा आपका शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है ना, तीसरा क्या है जी, शॉर्ट स्टोरी है, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका मेन कैरेक्टर क्या है, कौन है, नानू काका, ये जो आपके मनोहर मालगोनकर जी भी है ना, तो ये भी कहां से है, इंडिया से है, ये भी कहां से है माय डियर स्टूडेंट, इंडिया से है, ठीक है ना। आइए आगे हम लोग देखते चल रहे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 कौन सा है माय डियर स्टूडेंट, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और ये एक स्पीच है, ये भी स्पीच है, मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन चैप्टर आपका क्या है, ऐसे आप सभी लोग याद रख लो, ठीक है ना। ये मार्टिन लूथर किंग, MLK कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग, वही मार्टिन लूथर किंग का ही ये शॉर्ट फॉर्म है, और इनको नोबेल प्राइज, प्राइज का भी बात होगा तो नोबेल प्राइज, प्राइज भी आपको याद रखना है, प्राइज कौन कौन से राइटर को मिला और कौन कौन से पोएट को मिला है, ये भी आपको जरूर ही याद रखना होगा। ये आपका नोबेल प्राइज 1964 में मिला हुआ है, कहीं से मेरे को नहीं लगता है कि यहां पर दिक्कत और परेशानी का कारण हो सकता है। ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये हैं अमेरिका के,
यह है अमेरिका। जैसे आप नेग्रो के बारे में सुने होंगे, ये नेग्रो से बिलोंग करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन गांधी जी, ठीक है ना, इंडिया से, ठीक है, ये सब चीज याद रखिए। वो चैप्टर क्या है, एसे है। दूसरा आपका स्पीच है, तीसरा आपका शॉर्ट स्टोरी है, चौथा आपका ये आई हैव अ ड्रीम क्या है जी, ये भी स्पीच है। तो ये चारों चैप्टर आपका हो गया कंप्लीटली रूप से। आइए हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, वर्ट्रेंड रसल, वर्ट्रेंड रसल, ठीक है ना, ये आपका एक एसे है, ये आपका एक एसे है। ये कहां से बिलोंग करते हैं प्यारे साथियों, तो ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। इनको नोबेल प्राइज इनको भी मिला हुआ है 1950 में, ठीक है ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मिला हुआ है 1964 में, इनको मिला हुआ है 1950 में, 1950 में। ये चीजें आपको याद रखना होगा। अगला, द आर्टिस्ट सीगानोया, ये एक आपका शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है ना, ये शॉर्ट स्टोरी है, जापान के है, ठीक है ना। और इसमें मेन कैरेक्टर किन का है, सेबी का है, सेबी का। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, जापान से। तो ये भी आ गया आपका, जापान आ गया, ठीक है। आसान है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि इसमें हर चीज आपको बताया गया, प्राइज से लेकर, ठीक है ना, प्राइज भी बताया गया, प्राइज के साथ साथ आपको वो कहां से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आखिर वो चैप्टर क्या है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रीर, कौन जी, जर्मन ग्रीर, ये आपका एक एसे है। ये माय डियर स्टूडेंट क्या है, एक एसे है। ये फेमिनिस्ट राइटर हैं, फेमस, पूछ देगा हु वाज द, या हु इज, वाजी पूछेगा हु वाज द फेमस फेमिनिस्ट राइटर, जर्मन ग्रीर, अ चाइल्ड इज बॉर्न, क्या है, एसे है, क्या है, एसे है। आपको उम्मीद करते हैं कि याद होते जा रहा होगा, कहीं भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अ चाइल्ड इज, ये कहां से बिलोंग करती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया, याद रखना, याद रखना, ठीक है ना। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, हाउ फ्री द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, ठीक है ना। डॉर्थी एल सेयर्स, ये आपका एसे है, ये आपका एसे है। ये कहां से बिलोंग करती हैं, इंग्लैंड से। ये कहां से बिलोंग करती हैं जी, इंग्लैंड से। कहां से, इंग्लैंड से। उम्मीद करते हैं कि चीजें सब कुछ एकदम समझ में आ रहा होगा, कहीं भी दिक्कत, कहीं भी। अब इसमें देखिए, ट्रिक वाला वीडियो बहुत सारा ऐसा भी है यूट्यूब पर, देखिए ट्रिक आपको याद होने वाला नहीं है, वहां तक तो याद रहेगा, बट आफ्टर सम टाइम यू विल फॉरगेट दैट, आप उसको भूल जाइएगा। इसलिए मैं तो यही कहता हूं, एक बार इसको याद कर लो, रट जाओ, बहुत ज्यादा नहीं है, 20 चैप्टर है, ठीक है ना, इसलिए आप लोग एकदम रट जाइए। द अर्थ, द अर्थ एचीवेट्स, ठीक है ना, ये शॉर्ट स्टोरी। ये इसमें मेन कैरेक्टर किसका है जी, बेंजी का। और ये भी कहां से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से। कहां से बिलोंग करते हैं जी, कहां से बिलोंग करते हैं, बोलो ना, इंग्लैंड से, इंग्लैंड से, इंग्लैंड से, ठीक है। अच्छा, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, पॉल सेसबक, ठीक है ना, पॉल सेसबक। ये देखिए एक जर्नी रिकॉर्ड है, या पॉलिटिकल ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, उनका एक जर्नी रिकॉर्ड है, जो इनका काम ही था एक देश से दूसरे देश जाना, ठीक है ना, पॉल सेसबक का। तो ये एक जर्नी रिकॉर्ड है, या हम लोग पॉलिटिकल ऐसे बोल सकते हैं, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये भी इंग्लैंड के हैं। अच्छा, 1938 में इनको प्राइज मिला हुआ है, ये भी आपको याद रखना होगा। अ मैरिज प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल, एंटन चीको, आपको यह बताना है कि एंटन चीको कहां से बिलोंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर सभी लोग बताइएगा कि एंटन चीको आखिर कहां से बिलोंग करते हैं। ये एक आपका ड्रामा या वन एक्ट प्ले, दोनों हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, वन एक्ट प्ले या ड्रामा, दोनों हम लोग बोल सकते हैं। आपके लिए एक होमवर्क है, क्या होमवर्क, अभी बताया हूं मैं कि इसमें आपको बताना है, ठीक है, कि ये आपके जो एंटन चीको है ना, वो किस देश से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और ये प्रोफेशन से डॉक्टर थे, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये था प्रोज 11 चैप्टर का, 11 चैप्टर आपको नोबेल प्राइज के साथ साथ, ठीक है ना, किसे क्या कहा जाता है, या मेन कैरेक्टर क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग कहां बाबू लोग, अब आते हैं हम लोग पोएट्री में। अब हम लोग कहां इंटर करते हैं, पोएट्री में। देखिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो,
जॉन डन। कौन लिखे है? जॉन डन। ये किस टाइप का पोएम है? लव पोएम है। कैसा पोएम है जी? लव पोएम है। जॉन डन लव पोएम, स्वीटेस्ट लव, जॉन डन लव पोएम है। इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। और ये भी कहां से बिलोंग करते हैं जी? कहां से बिलोंग करते हैं प्यारे साथियों? इंग्लैंड से। ये इंग्लैंड वाला का ज्यादा संख्या है जी। नहीं तो भैया, हम लोग भी तो ब्रिटिश इंग्लिश ही ना पढ़ते हैं, दैट्स वाई इसलिए। अच्छा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन, ये फ्री वर्स, ये आपका फ्री वर्स है। नेचर पोएम भी अगर देता है तो इसमें हम लोग कर सकते हैं। फ्री वर्स दिया हुआ है तो आप आसानी से समझ सकते हो। इन्हें पीपुल्स पोएट कहा जाता है। अ फादर ऑफ फ्री वर्स ये भी, लेकिन पीपुल्स पोएट देता है, लोगों का कवि देता है। इसलिए आपको याद करना होगा। और ये पता है कहां से बिलोंग करते हैं प्यारे साथियों? पता है, अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछेगा, वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स टू विच कंट्री? योर आंसर विल बी अमेरिका। लंदन देखा, पेरिस देखा, और देखा जापान। चलिए जी, आगे आइए, आगे आइए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। डब्ल्यू एच ऑर्डेन, आपको बता दे, डब्ल्यू एच ऑर्डेन ऐसे पोएट हैं जिन जो इंग्लैंड को 1939 में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहां बस गए? अमेरिका। हमेशा के लिए कहां चले गए? अमेरिका। जन्म इंग्लैंड, बाद में अमेरिका। मेलनकॉलिक पोएम है, ठीक है ना? ठीक है, इनको पुलिटिजर प्राइज मिला है। पुलिटिजर प्राइज मिला है 1948 में। किस किताब के लिए? द एज ऑफ एंग्जाइटी, द एज ऑफ एंग्जाइटी। और यह पुरस्कार अमेरिका में ही दिया जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं इन्होंने 1939 में इंग्लैंड को छोड़ दिया और 1948 में इनको प्राइज मिला है। तो कहां मिला होगा? अपने से भी आप, अपने आप से भी सोच सकते हो कि ये प्राइज कहां मिला होगा। तो ये प्राइज अमेरिका में मिला होगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत मेरे को नहीं लग रहा कि यहां तक होना चाहिए, ठीक है ना? यहां तक कहीं से भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आइए जी, प्राइज वाला भी ध्यान देते जाइएगा। ऑटम जॉन किट्स, ये कोड है, ये गीत है। इन्हें रोमांटिक पोएट कहा जाता है। ये भी कहां से बिलोंग करते हैं? कहां से करते हैं जी? तो ये भी बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से ही, ठीक है ना? इनको प्राइज वगैरह तो नहीं मिला है, इनको प्राइज वगैरह तो नहीं मिला है, बट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनके बारे में एक और बात बता दे, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। किसने बोला है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर? तो जॉन किट्स ने बोला है, ठीक है ना? याद रखना बाबू लोग, ठीक है? अच्छा जी, और जॉन किट्स के बारे में बता दूं तो इन्हें रोमांटिक पोएट कहा जाता है, याद रखिएगा। एन एपिटाफ, वाल्टर डिला मेयर, ये इलाजी है, ये आपका एक इलाजी है। इन्हें चिल्ड्रेंस पोएट कहा जाता है और इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में मिला है। ये भी इंग्लैंड के ही हैं, ये भी इंग्लैंड से ही हैं। इनके पिताजी मात्र, मतलब जब ये चार साल के थे, when he was just 4 years old, his father was died, इनके पिताजी मर चुके थे, ठीक है ना? मर गए थे। तो याद रखिएगा, एन एपिटाफ, वाल्टर डिला मेयर, इलेजी, ये इंग्लैंड के हैं। इन्हें चिल्ड्रेंस पोएट कहा जाता है। ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में दिया गया था। इनका जन्म मरण भी बड़ा पूछता है, ये भी वीडियो में मैंने बता दिया है। रुकिएगा, नेक्स्ट, 1873 1956, 1873 से 1956 तक। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, मैं मिटाने वाला हूं, ठीक है ना? अच्छा जी, द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक, ये एक सोनेट है। सोनेट का मतलब होता है ए पोएम ऑफ 14 लाइंस। इसको दो भाग में बांटा जाता है, एक 8 और एक 6। सेक्टेट और ऑक्ट, मतलब याद रखना है, 6 को सेक्टेट, ऑक्ट आपको याद रखना है, 8 और 6 और 14 लाइन के पंक्ति। ये वार पोएट है साथियों, वार पोएट है, ये वार पोएम ही है, ठीक है ना? ठीक है, ये भी कहां से है? तो ये भी है कहां से डियर्स? इंग्लैंड से। ये भी कहां से है? इंग्लैंड से है। कहीं भी परेशानी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी लोगों को। मैकवीटी द मिस्ट्री कैट, मैकवीटी द मिस्ट्री कैट, टी ए सिलियट के बारे में भी मैं बता दूं, ये ऐसे पोएट हैं जो अमेरिका छोड़कर कहां चले गए? इंग्लैंड।
तो आपको याद रखना है दो ऐसे पोएट जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चले गए। पहला डब्ल्यू एच आर्डन, इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका, टीएस इलियट अमेरिका छोड़कर इंग्लैंड, मतलब ये दूसरे से एक यहां आया एक वहां गया। नहीं समझे, याद कर लीजिएगा, बस याद हो जाएगा, इन्हें याद रखिएगा, ठीक है ना। नोबेल प्राइज मिला है जी 1948 में मिला है किनको जी, टीएस इलियट को, फायर आइन, के के एन दारू वाला। ये इंडियन है भैया, ये आपके कहां से बिलोंग करते हैं, इंडिया से, इंडो एंग्लियन याद रखिएगा, इंडिया से बिलोंग करते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1984 में, 1948 में, के के एन दारू वाला, ये जोरोस्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। मात्र एक ऐसे पोएट जिन मतलब जो पुलिस में थे। बाबू मैं इतना बात इसमें बता दिया हूं कि आप इस वीडियो को देखकर जाइए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, धड़ाधड़ बनेगा, और साथ ही साथ आपका ये मैच ऑफ द फॉलोइंग ही तो 10 नंबर का हो गया, क्या दिक्कत है जी, क्या परेशानी है, मजा लो ऐसे ऐसे वीडियो का, शेयर करो, अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, आप लोग के लिए एक ही वीडियो में ऐसा बनाया जा रहा है, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, एक वीडियो 20 नंबर से ज्यादा, मात्र 15 से 16 मिनट का वीडियो, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज इस चीज को समझने का प्रयास करिए प्लीज। अच्छा जी, स्नेक किसने लिखा, डीएच लॉरेंस, एक फ्री वर्स या नैरेटिव पोएम, डीएच लॉरेंस, ये भी कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये भी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं स्नेक, ठीक है ना। अच्छा, माई ग्रैंड मदर, ये इंग्लैंड से, कोई दिक्कत तो इसमें होगा नहीं, ठीक है ना, ये फ्री वर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, माई ग्रैंड मदर हाउस, कमला दास, ये आपका इंडियन, ठीक है ना, ये इंडियन पोएटिस है, ये एक लिरिक है, कन्फेशनल या नॉस्टैल्जिक, ये ज्यादातर ऑटोबायोग्राफिकल, इनका बायोग्राफी का नाम क्या है जी, माई स्टोरी, ठीक है ना, माई स्टोरी, कभी कभी पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, हालांकि बुक में नहीं दिया तो फाइनल एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, बट ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने प्रोज में 11 चैप्टर पढ़ा और पोएट्री में 10, जिसमें राइटर, ठीक है ना, कहां से बिलोंग करते हैं, वो चैप्टर क्या है, उनको कब प्राइज मिला है। अब जिनको प्राइज भाई मिला है उन्हीं के बारे में ना पढ़ा जा सकता है, जिनको नहीं मिला है तो उनके बारे में हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहां से कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले देखिए प्रोज में हम लोग 3 प्राइज के बारे में पढ़े हैं, नोबेल प्राइज, ठीक है ना, दो हमेशा पूछा जाता है, एक पूछता है बर्ट्रेंड रसल वाला 1950 में, और एक पूछता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाला 1964 वाला, ठीक है। अब दो ऐसे पोएट जो अपने देश को छोड़कर गए, डब्ल्यू एच आर्डन कहां गए, इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका, और टीएस इलियट अमेरिका को छोड़कर कहां चले गए, इंग्लैंड चले गए, ठीक है ना। इसमें जो प्राइज का बात किया जाए, इसमें जो आपका बाबू लोग प्राइज का बात किया जाए, तो सबसे पहला प्राइज मिला है आप लोग का पुलिटिजर प्राइज। हाँ, पुलिटिजर प्राइज किनको मिला है जी, पुलिटिजर प्राइज आप देख सकते हैं, पुलिटिजर प्राइज किनको मिला है, तो डब्ल्यू एच आर्डन को, कब, 1948 में, और एन एपिटाफ यानी वाल्टर डीला मेयर को मिला है 1953, और मिला आपको टीएस इलियट को नोबेल प्राइज 1948, और फिर फायर हाई में साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। हां, हालांकि कमला दास का नाम आया था, ठीक है ना, बस नॉमिनेट किया गया था 1984 में, इनको मिला नहीं था 1984 में, इनका नाम आया हुआ था नोबेल प्राइज के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट का इंतजार हमेशा से रहता है कि आप सभी एक प्यारा सा कमेंट करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को आप अपने तरफ से पूरा शेयर करिए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।